शांति। आज 11 सितंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने एक वंडरफुल खेल की बात सुनाई है। बाबा कहे संगम युग पर यह वंडरफुल खेल चलता है कि राम रावण से फारगति दिलाता है और रावण फिर राम से फारगति दिलाने का प्रयत्न करता है, और जैसे ही बाप को भूलेंगे तो माया का गुला लग जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अपने स्वधर्म में टिको, स्वयं को आत्मनिश्चय करो और बाप को बहुत प्यार से याद करो। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है क्योंकि अब नाटक पूरा होता है, अब वापस घर चलना है। इसीलिए प्रतिदिन रोज ज्ञान अमृत का स्नान करो, आत्मा को पावन बनाओ। जितना पावन बनते जाएंगे नई दुनिया के लिए भी योग्य बनते जाएंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है, इसीलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं? उत्तर है फारगति दिलाने का। राम रावण से फारगति दिलाते हैं, रावण फिर राम से फारगति दिला देते हैं। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है, इसीलिए बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे अपने स्वधर्म में टिको, देह सहित देह के सर्व धर्मों को भूलते जाओ। बाबा कहे देह सहित देह के सब धर्मों को भूलते जाओ, याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो, देही अभिमानी बनो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत सुना। हर एक बात में नंबरवार कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये कॉलेज है अथवा यूनिवर्सिटी कहो, साथ साथ सच्चा सत का संग भी है। सत कहा जाता है एक को, वह एक ही बार आते हैं। अब इस समय तुम सच सच कहते हो कि हम सत के संग में है। तुम ब्राह्मण ही उस सत कहने वाले ज्ञान सागर के सन्मुख बैठे हो। गाया भी जाता है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। पिया पिता को कहा जाता है, तुम बच्चों के सन्मुख पिया की ज्ञान बरसात है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर, ज्ञान सागर पतित पावन अब हमारे सन्मुख है। हम पतित से पावन व कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल बन जाएंगे फिर ये शरीर नहीं रहेगा। कली भी आहिस्ते आहिस्ते खिलती जाती है, फट से खिल नहीं जाती, खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल बन जाती है। अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बने हैं, वह तो कर्मातीत अवस्था हो जाती। कंप्लीट फूल बन जाए तो बाबा कहे कर्मातीत अवस्था हो जाती है। देही अभिमानी तो अंत में ही बनना है। अभी तुम सबका पुरुषार्थ चल रहा है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। बाप है पारलौकिक पिता, ये दोनों संगम के अलौकिक मात पिता ठहरे। बाप दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, ये दोनों संगम युग के अलौकिक मात पिता ठहरे। कोई कांटे भी है, कोई कली में भी है। बाबा कहे कोई कांटे भी है
तो कोई कली भी है, सभी बच्चे नंबरवार है। अभी तक कुछ बच्चे कली बन गए, कुछ फूल बन गए, लेकिन कुछ अभी तक भी कांटे हैं। तो कोई कांटे भी है, कोई कली भी है। कली को खिलने में टाइम लगता है। तुम सब नंबरवार कलियां हो, फूल बनने वाले हो। कोई अच्छी रीति खिले हैं, कोई आधा है। एक दिन कंप्लीट भी जरूर खिलेंगे। बगीचा तो है ना, जानते हो हम कांटों से कली तो बने हैं, फिर फूल बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो कली ही खत्म हो जाते हैं, कोई थोड़ा खिलकर खत्म हो जाते हैं। माया के बड़े भारी तूफान आते हैं। बाबा रहम दिल को भी ये रहम आता है कि माया के बड़े भारी तूफान आते हैं। सेंटर्स खोलते भी कोई कोई खत्म हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। यह है चटा बेटी, इसकी राम और रावण की। तो बाबा कहे यह है चटा बेटी राम और रावण की। मलयुद्ध जैसा नहीं होता है तो चटा बेटी राम राम कहा जाता है। ऐसे नहीं त्रेता वाले राम को याद करते हैं, ये राम राम परमात्मा के लिए कहते हैं। रावण से राम की भेंट होती है। राम है बाप, रावण है दुश्मन माया। माया भी जबरदस्त है। ये खेल है एक दो को फारगती दिलाना। राम तुमको माया रावण से त्याग दिला देते हैं। बाबा आकर के बच्चों को कहते हैं बच्चे माया को भूलना है। राम तुमको माया रावण से त्याग दिला रहे हैं, माया फिर तुमको बाप राम से त्याग दिलाती है। बाप कहते हैं देह सहित जो भी संबंधी आदि देह के हैं सबका बुद्धि से त्याग करो। सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। मैं फलाना हूं, फलाने धर्म का हूं, ये भूल अपने स्वधर्म में टिको। देह के सब धर्म छोड़ अपने को अकेला समझो। इस दुनिया की हर एक चीज से त्याग दिलाते हैं। अशरीरी बन जाओ, मेरा बनकर और मेरे को याद करो। बाप को भूले तो माया का गोला लग जाएगा। बाप को याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो। माया भी बड़ी जबरदस्त है। बाप का बनकर भी फिर माया त्याग दिलाकर बाप से छुड़ा देती है। बाप को शल कोई फारगती न दे। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं बाप को शल कोई फारगती न दे। आधा कल्प तुम मुझे याद करते आए हो, तुम ही संपूर्ण भक्त हो ना। बाबा कहे तुम ही संपूर्ण भक्त हो ना, भक्ति भी तुमने ही शुरू की है। तो बाप आकर माया से त्याग दिलाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इस कपड़े को यानी देह को भूलते जाओ, बस अभी हमको जाना है। उस नाटक में भी एक्टर्स होते हैं, उनको भी मालूम रहता है बस अभी 5-10 मिनट बाद हमारा खेल पूरा होने का समय आया है, फिर हम घर चले जाएंगे। खेल पूरा होने के समय ये बुद्धि में रहता है, शुरू में नहीं रहता। हाँ, पूरा होने को बस 5-10 मिनट होती है तो सोचते बस अभी पूरा होगा और हम घर जाएंगे, शुरू में नहीं। तुम भी समझते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कितना समय होगा। तुम कहेंगे हम कब स्वर्ग व सुख धाम में जाएंगे, परंतु बाप कहते हैं इस लाइफ को तो वैल्यूबल अमूल्य कहा जाता है। तुम बड़ी भारी सर्विस करते हो श्रीमत पर, सिर्फ तुम पांडव ही श्रीमत पर चलते हो। गीता आदि में यह बातें नहीं है। ये बाबा बहुत ही शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है,
गुरु किए हुए हैं। जो भी सब सेंटर्स की एक्टिविटीज है उन सब को तुम जानते हो। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाते हैं, वह क्या जाने, यह भी ड्रामा में खेल बना हुआ है। गीता भागवत आदि सब अपने अपने समय पर रिपीट होंगे। गीता है माई बाप, गीता को माता कहा जाता है और कोई पुस्तक को माता नहीं कहेंगे। इनका नाम है ही गीता माता। अच्छा, उनको किसने रचा? पहले पहले पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करते हैं ना, पुरुष शादी करते हैं तो मुख से कहते हैं ये मेरी स्त्री है, तो रचता हुए ना। फिर उनसे बच्चे होते हैं तो भी कहेंगे ये हमारे हैं, बच्चे भी कहेंगे ये हमारा बाप है। तुम भी बाबा की मुख वंशावली हो, कहते हो बाबा हम आपके हैं। इतना समय हम माया की मत पर चलते आए, अभी आपकी मत पर चलेंगे। माया कोई मुख से मत नहीं देती है, एक्ट ऐसी करते हैं। यहां तो बाप मुख से बैठ समझाते हैं। तुम सब भारतवासी हो, जानते हो कि भारत ही सिरताज था, अभी दोनों ताज नहीं है, न होली न अनहोली। गाया जाता है हर होलीनेस हिज होलीनेस, स्त्री पुरुष दोनों को कहते हैं। सन्यासियों को हिज होलीनेस कहते हैं, परंतु प्रवृत्ति मार्ग है नहीं। प्रवृत्ति मार्ग में तो स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, सो तो सतयुग में दोनों पवित्र होते ही है, जिसको कंप्लीट पवित्र कहा जाता है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहां पतित दुनिया में दोनों पवित्र तो हो न सके। तो अभी तुम बाप के सन्मुख सुन रहे हो, जिसको ज्ञान बरसात कहा जाता है। वह है विष की बरसात, यह है ज्ञान अमृत की बरसात। गाते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तुमको अब ज्ञान अमृत मिल रहा है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही सिर्फ गाते रहते हैं, अभी तुमको प्रैक्टिकल में ज्ञान अमृत मिलता है। इससे ही अमृतसर नाम पड़ा है। बाबा कहे इस अमृत के कारण ही अमृतसर नाम पड़ा है। बाकी तालाब तो ऐसे बहुत है, मानसरोवर भी है ना। मानसरोवर मनुष्य का सरोवर तो वह है नहीं, यह है ज्ञान अमृत का सरोवर। इनको ज्ञान मान सरोवर भी कहा जाता है, ज्ञान सागर भी है। कोई नदियां हैं, कोई कैनाल्स है, कोई टुपके हैं, नंबरवार है ना। बच्चे भी बाबा कहे नंबरवार है ना, बच्चे समझ गए हैं। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था कि फिर अब समझा रहे हैं। कल्प पहले भी समझाया था, फिर अब समझा रहे हैं। तुम निश्चय करते हो हम बाबा से राजयोग सीख रहे हैं, जिससे कल्प पहले भी हम स्वर्ग के मालिक बने थे। प्रजा भी कहेगी हम मालिक है। भारतवासी कहते हैं ना हमारा भारत सबसे ऊंच था, अभी हमारा भारत सबसे नीच है। हमारा भारत बहुत श्रेष्ठाचारी था, अब हमारा भारत बहुत भ्रष्टाचारी हो गया है। और कोई खंड के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सभी धर्म वाले भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि भारत प्राचीन था, तब हम लोग नहीं थे। सतयुग में जरूर सिर्फ भारतवासी ही होंगे। गाते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। नई दुनिया में नया भारत था, अभी पुराना भारत है। भारत हेवन था, परंतु किसकी बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप तुमको समझा रहे हैं,
तुम प्रैक्टिकल में कर्तव्य कर रहे हो। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार सच्चा सच्चा व्यास बनना है। बाबा कहे तुम्हें सच्चा सच्चा व्यास बनना है, सच्ची गीता सुनानी है, तुमको कोई पुस्तक आदि तो हाथ में उठाना नहीं है। तुम तो रूप बसंत हो, तुम्हारी आत्मा गीता का ज्ञान सुनती है बाप से। तुम्हारी बुद्धि में एक ही बाप है और कोई गुरु गोसाई साधु संत आदि तुम्हारी बुद्धि में नहीं है। तुम कहेंगे हम ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से सुनते हैं, जिसको ये सत श्री अकाल कहा जाता है। अक्षर कितना मीठा है, अकाली लोग बड़ी जोर से कहते हैं सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। यहां तुम बच्चे ज्ञान डांस करते हो, इसलिए कहा जाता है सच तो बिठो नच। सच्चे हो तो खुशी में नाचते रहो। सच तो बिठो नच का मतलब है सच्चे हो तो खुशी में नाचते रहो। फिर तुम वहां जाकर रास विलास करेंगे। मीरा भी ध्यान में रास आदि करती थी, परंतु उसने भक्ति की, तुम कोई भक्ति नहीं करती हो। दिव्य दृष्टि दाता बाप स्वयं तुमको पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चे साक्षात्कार करते रहते हैं तो मनुष्य समझते हैं यह तो जादू है। बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं ना, तुम्हारे लिए भी यह खेल पाल है। बाबा कहे तुम्हारे लिए भी यह खेल पाल है, यह कोई सब्जेक्ट नहीं, इनके मार्क्स नहीं, खेलने कूदने की मार्क्स नहीं होती है, ऐसे ध्यान दीदार की मार्क्स नहीं होती है। यहां भी जो इस खेल पाल में रहते हैं उनको ज्ञान की मार्क्स नहीं मिल सकती, यह तो खेल पाल है। इसको अव्यक्त खेल कहा जाता है, वह व्यक्त खेल या अव्यक्त खेल। रास आदि करने वाले को मार्क्स नहीं मिलती है, इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान अच्छा श्रेष्ठ है। गीता में भी कहा है ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है, यह है ही राजयोग। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, वह तो इन आंखों से देखते हैं हम फलाना बनेंगे। यहां तो यह तुम्हारी है भविष्य की एम ऑब्जेक्ट, प्रिंस प्रिंसेस बनना है, फिर तुम महाराजा महारानी बनते हो। बिगर एम ऑब्जेक्ट अगर कोई कॉलेज में बैठे तो उनको क्या कहेंगे। भारत में और जो सत्संग है उनमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, पाठशाला भी कह सकते हैं, सत्संग को कभी पाठशाला नहीं कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं, हम पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सारी यूनिवर्स को तुम पवित्र स्वर्ग बनाते हो, अपने लिए ही इस यूनिवर्स को स्वर्ग बनाते हो। जो बनाएंगे वही फिर राज्य करेंगे। अब कहे जो बनाएंगे वही फिर राज्य करेंगे, ऐसे तो नहीं सब स्वर्ग के मालिक बनेंगे। नहीं, जो पूरे नर्कवासी है, जिन्होंने द्वापर से भक्ति की है, वही स्वर्गवासी होंगे। बाकी सब मनुष्य सरसों मिसल पीस कर खत्म होंगे, आत्माएं वापस बाप के पास जाएगी। कितना बड़ा विनाश होना है, अभी तो बहुत प्रजा है, कितना बैठ गिनेंगे, एक्यूरेट गिनती कर न सके। दुनिया में कितने मनुष्य है, ये सब खत्म हो जाएंगे। बच्चों को बनियन ट्री का भी मिसाल बताया गया है। कलकत्ते में बहुत बड़ा झाड़ है, उसमें फूर यानी फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। अभी देवी देवता धर्म भी है, परंतु उनका नाम प्रायलोप है। बाबा तो स्थापन करते ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म, तो बाबा कहे अभी देवी देवता धर्म भी है
परंतु उनका नाम प्रायलोप है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन है ही नहीं, सड़ा हुआ भी कुछ न कुछ निशान तो रहेगा ना। प्रायलोप का अर्थ ही है बाकी थोड़ा रहा है, चित्र है, थोड़ा रहा है माना उनके चित्र जरूर है। भारत में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, यह तो बड़ा सहज है, परंतु क्या होता है, माया रावण बुद्धि को ताला लगा देती है। परमपिता परमात्मा है बुद्धिवानों की बुद्धि, मनुष्य में बुद्धि है परंतु ताला लगा हुआ है, पत्थर बुद्धि हो गए हैं। अब बाबा फिर से तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, आत्मा को बनाते हैं। बुद्धि आत्मा में रहती है ना, कहा जाता है ना तुम तो पत्थर बुद्धि भैंस बुद्धि हो, भैंस बुद्धि यानी मोटी बुद्धि। तो यहां भी ऐसे हैं, कुछ भी समझाओ तो समझते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। श्रीमत तो सदैव कहेगी बच्चे अंधों की लाठी बनो, सुनना और फिर सुनाना है, सुनना भी है फिर सुनाना भी है। इसलिए सर्विस में दूर जाना भी पड़ता है, एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। अभी तुम ज्ञान और योग सीख रहे हो, यहां तुम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हो, सहज राजयोग सीख रहे हो, वर्षा लेने के लिए। क्यों सीख रहे हैं राजयोग? वर्षा लेने के लिए। तुम आए हो विष्णुपुरी की राजधानी लेने के लिए, विष्णु की विजय माला बनेगी। अभी तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, तुम जानते हो बरोबर डीटी सॉवरनिटी थी, सतयुग आदि में राजा रानी थे, अब कलयुग अंत में तो राजा रानी कोई भी कहला नहीं सकते। परंतु गवर्नमेंट को मदद करते हैं तो फिर महाराजा का टाइटल मिल जाता है। वह गवर्नमेंट भी टाइटल देती थी, राय साहब, राय बहादुर आदि। बाबा कहे वह गवर्नमेंट माना ब्रिटिश गवर्नमेंट भी टाइटल देती थी, राय साहब, राय बहादुर आदि आदि। अभी तो तुमको बड़ा टाइटल मिल रहा है प्रैक्टिकल में। कौन सा बड़ा टाइटल बाबा कौन सा हमें दिलाते हैं? तुम हर होलीनेस, हिज होलीनेस महाराजा महारानी बनेंगे। ये टाइटल बाबा सबसे ऊंचे ते ऊंचा हमको सतयुग के लिए दिला रहे हैं। तो तुम हर होलीनेस, हिज होलीनेस महाराजा महारानी बनेंगे। तुम पर डबल ताज है, पहले होता है होली राज्य, फिर अनहोली राज्य, अभी फिर अनहोली नो राज्य, अपवित्र है और नो राज्य, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। ड्रामा को समझना है, बाबा कहे ड्रामा को अच्छी तरह समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, रोज ज्ञान अमृत के मान सरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। माया की मत छोड़ बाप की मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट है, यह अमूल्य संगम का समय है, इस समय श्रीमत पर चल सर्विस करनी है। सच्चा व्यास बन, सच्ची गीता सुननी और सुनानी है, रूप बसंत बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहम दिल भव। अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहम दिल भव। आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है,
अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की यह चोट जो आत्माओं को लगती है, यह अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव कराती है। यह अनेक प्रकार की चोट क्या करती है, ये अग्नि है जो जीते हुए जलने का अनुभव कराती है। लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए। आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो, अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। तो रहम दिल बन अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ। गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। आज का स्लोगन है, जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। अच्छा, ओम शांति। क्लिक हियर टू लाइक सब्सक्राइब and press the bell icon to stay updated with our latest videos.